देखो तुम्हारी शादी भले ही ना हुई हो लेकिन क्या तुम्हें पता है सूरत में तुम्हारी सासू माँ रहती हैं? हैं? आपने बंगाल की दीदी के बारे में तो सुना ही होगा पर क्या तुमने सूरत की सासू माँ के बारे में सुना? गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा सासू माँ के हाथों का जादू, उनके हाथों का खाना। किसकी सासू माँ ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। What do you mean by किसकी सासू माँ? तुम्हारी सासू माँ, हमारी सासू माँ, हम सबकी सासू माँ। वॉन्टॉन समोसा, ये मीठी है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं। यार तुम लोग बहुत फास्ट हो। गुजरात में कहावत है बिना भाव का भोजन क्या, मतलब खाने के साथ भावना भी जुड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ही एक सात्विक भोजन होता है। बिल्कुल, है ना। तो नाम के पीछे यही हार्द है हमारा कि जैसे सासू माँ ससुराल में कोई दामाद जाए तो हर किसी के मन में क्या हो वो पता नहीं, लेकिन सासू माँ के मन में चहल पहल रहती है कि मेरे घर पे मेरे दामाद है, मैं क्या करूँ, मैं क्या खिलाऊँ, मैं क्या उसकी सेवा करूँ कि मेरे दामाद अच्छे से खुश हो जाए। तो बस वही परंपरा हम लेके बैठे हैं। गजब। मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, बट एस्थेटिकली कितनी अच्छी लग रही है थाली। तू ऐसा कर, तू वापस बार से शुरू कर, हम इतने खाते हैं। यार मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ ऑथेंटिक गुजराती डिशेस के लिए, क्योंकि पंजाबी दाल पाव भाजी हमने लाइफ में बहुत जगह और बहुत टाइप की खाई है, बट गुजरात में आके ऑथेंटिक गुजराती फूड दैट हैज बीन हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मेरे लिए तो ये पनीर की सब्जी और ये आलू की सब्जी के अलावा सब नया है। ओके, सब गुजराती, मतलब मैंने पहले इससे पहले खाया नहीं है, बट यार सेम सेम चीज से शुरू करेंगे ना। फिर मेरा पापड़ खड़ा होगा। That sounds so wrong. चलो सबसे पहले पापड़ से शुरू करते हैं। वाह, ये तो पापड़ है। ये तो पापड़ है। ये तो हमारे यहाँ भी सेम है। इसके लिए ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये बहुत स्पाइसी होगा या मीठा होगा। आई थिंक ये स्पाइसी नहीं होगी। ये वैसा है महाराष्ट्र में वो नहीं होता, ढोकले, वड़ा पाव के साथ। ढोकले के साथ भी तो आता है यार। ढोकले के साथ अलग मिर्ची आती है, वो बड़ी वाली और ऐसे नमक में लिपटी हुई। अचार अचार जैसा है, मतलब बहुत ही सटल अचार है। जैसे हम अगर मिर्ची का अचार खाएं तो उसके साथ में रोटी पराठा कुछ होना इज कंपल्सरी, बट दिस कैन एक्चुअली बी ईटन एज अ स्नैक। मुझे नहीं पता लोग खाते या नहीं खाते, मैं खा सकता। मत सुनना इनकी, किसने बोला मिर्ची नहीं है, से पूरा मुंह जल रहा है मेरा। अरे इसको कुछ और। अच्छा इस पे कचूमर पे आते हैं, तेरा मुंह जल रहा है ना, मुंह शांत करने के लिए कचूमर, बीटरूट, आलू ले ले, प्याज ले ले, चुकंदर ले ले, खीरा ले, सॉरी ले 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 ले, ये मुझे पता है, गिनौना है पूरा, गिनौना। वॉन्टॉन समोसा, तू तो अपना पहले ही तोड़ चुका था ना। यार तुम लोग बहुत फास्ट हो। नहीं ये दोबारा मंगा सकते हैं। मेरे को लगा था कि ये थोड़ा, क्योंकि चाइनीज समोसा है फ्यूजन जो दिल्ली में करते थे, ओके ओके होते हैं, बड़े काफी अच्छे भी मैं बना रखे हैं। तिरंगी ढोकला, वो दोनों साइड का टेस्ट होता है भाई, हाँ? एक बार वैसे करके खाओ। और ये मीठा नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा सॉलिड है, ये स्पंजी है, ये थोड़ा सॉलिड साइड है, केकी है ना। दिल्ली में हमने जितना भी ढोकला खाया, एक तो बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि अरे ये खमन है, ये ढोकला नहीं है, वहाँ पे मिलता ही ढोकले के नाम पे वो है। हमें धोखा हुआ है, हमारा स्कैम चल रहा है और हम खा रहे हैं, अब क्या करें, ढोकला के नाम पे धोखा। और वो जो होता है वो बहुत मीठा होता है। हाँ ये मीठा नहीं था।
अब मैं कहता हूँ ये छोटी सी क्यूटू सी रोटी के साथ दाल बहुत देर से रुका था कैसा रोटी खाएंगे रोटी खाएंगे रोटी दाल है कौन सी यार दाल ये वाली है मुझे याद आ गया ये गुड़ वाली गुजराती ट्रेडिशनल है सही ये पंजाबी दाल मैं पहले खाऊंगा गुजराती दाल मैं गुजराती मुझे तो गुजराती खानी है इफ यू हैव नेवर ट्राइड गुजराती मीठी दाल तो रेफरेंस के लिए आमी की सब्जी खाई है आपने कच्चे आम की अंबी की सब्जी जो होती है मेरे घर पे बनती है आपके घर बनती हो तो प्लीज बताना इसका टेस्ट इज समवॉट सिमिलर टू दैट यार मैं ऑनेस्टली बोलूं मतलब मेरे को अपना खाना जब मैं मेन कोर्स है वो खा रहा हूँ मुझे वो स्वीट नहीं पसंद ये वाला मेरे ओपिनियन से मेरे को दाल बहुत टेस्टी है गुड़ का पूरा फ्लेवर आ रहा है बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि मैं मीठा नहीं खाता मैं हाँ बट एट द सेम पॉइंट इट्स नॉट दैट स्वीट आई गेस मतलब बहुत सटल से एक स्वीटनेस है या ऐसा भी नहीं है कि अरे डायबिटीज अब हमने खाई है गुजराती दाल अब खाते हैं पंजाबी दाल गुजराती वर्जन की पंजाबी दाल मैं इसको गुजराती और पंजाबी के सेग्रीगेशन में रखना ही रखना नहीं चाहता दाल बढ़िया ये दाल है ये इंडियन दाल है जहाँ दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा दाल दाल सॉरी तुझे अच्छा नहीं लगा मस्त है गट्टू अच्छा उन्हें भी अच्छा नहीं लगा अच्छा था फनी कमेंट करके बता ये यार ये सारा अरेंजमेंट पता है किसकी याद दिला रहा मुझे जैसे किसी शादी पे आया हूँ मैं और वहाँ ढेर सारी मिक्स था नहीं लग रहा शादी की प्लेट के अंदर तो चावल के अंदर पनीर मिला हुआ होता है उसी के अंदर रोटी तैर रही अच्छा वो खुद बनाई होगी ना प्लेट मतलब ये यार मेरे को भी क्यों आ रहा है शादी वाली फील अब आ गए चने भाई पीले चने लास्ट टाइम लाइफ में कब खाए थे मैंने कभी नहीं खाए कभी नहीं खाए मैंने आज तक लाइफ में काले चने जो कि दही और बेसन के साथ बने हो आई हैव नेवर ट्राइड डिफरेंट ये मीठी है यार ये भी गुड गुड आई थिंक मैं गुजराती क्विजीन के लिए बनाऊं आई थिंक मेरे अंदर एक गुज्जू है मेरे अंदर का गुज्जू बाहर आ रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मुझे मसालेदार खाना भी इतना पसंद है मीठा खाना भी इतना पसंद है मैं क्या क्या खाऊं इसे कहते हैं फूडी सही प्रोफेशन में हूं मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं काजू वगैरह मेरे भी नहीं आया मेरे भी नहीं आया वो गरम गरम रोटियां घी लगाओ ऊपर यानी को रोटियों की शक्ल दिखाओ एक बार इतनी सुंदर रोटी मैं आपको रोटी मैंने, का मैंने तोड़ मैं आपको रोटी का साइज दिखाता हूँ मैंने थोड़ी सी तोड़ दी ये रोटी है ये मेरा हाथ है मेरा हाथ भी वैसे छोटा ही है मैं आज देख रहा हूँ पाव भाजी खा के देख लो एकदम ऑथेंटिक जो घर की पाव भाजी होती है ना वही टेस्ट है यार मेरे को वो नहीं मिल रहा पाव खा गया मैं सारा थैंक यू दिल बड़ा होना चाहिए सास बहुत खिला रही पाव भाजी ये इससे पता लगेगा कि गुजराती पाव भाजी और जो दिल्ली में मिलती है उसमें कितना डिफरेंट है एक मिनट रुक जाओ पहले मुझे भी खाने दो देखो मैं आज पाव भाजी के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा वी विल वेट टिल द टाइम वी गो टू मुंबई हैव द ऑथेंटिक पाव भाजी इन मुंबई एंड देन डिसाइड ये बेस्ट पाव भाजी कहाँ मिलती है सही है मैं भी नहीं बोलूंगा ये तभी देखेंगे जब मुंबई जाके खाएंगे अच्छा मेरी एक और रोटी खत्म हो गई एंड आई हैव रियलाइज कि अगर आपके घर पे कोई ऐसा मेहमान आता ना जो शर्माता बहुत है नहीं नहीं और रोटी नहीं तो उसको एक छोटी वाली रोटी बना के देनी चाहिए रुकेगा ही नहीं उसका मन करता रहेगा थोड़ी सी और ले लेते एक ही तो उस मेहमान के जाने के बाद तुम बोलोगे बड़ा बेशरम था खाया जा रहा था खाया जा रहा था पालक वाली सब्जी खाएं पालक पता नहीं मुझे बचपन से मेरे घर वालों ने बहुत खाने की कोशिश की मुझे कभी उतना पसंद नहीं आया बट ठीक है ये खाएगा पालक पालक ये पालक दाल है पालक खाने के बाद ये क्या हो रहा है बाय मेरे घर में बनती है पालक दाल मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा एग्जैक्टली सेम ऐसी बनती है आंटी ने तुझे बताया नहीं है वो गुजरात से ही तेरी मम्मी को सब सासू मां बोलते हैं सर एक दे दो सर इतने प्यार से आगे बोलते हैं ना सर रोटी मन करी जाता आपने दो एक चीज नोटिस करी लेने से पहले हाँ। नहीं लेता आपने एक चीज नोटिस करी हर सब्जी के लिए एक अलग बंदा है पनीर की सब्जी है तो भैया पनीर की सब्जी देंगे दूसरे बंदे दूसरी सब्जी तीसरे बंदे तीसरी सब्जी पूड़ी ब्रेड भाई तुमने कभी लंगर में खाना बांटा ऐसे सेम सीन हां हां सेम सीन होता है मैंने बहुत बांटा क्योंकि मैंने सुना पुण्य करने से ना अच्छी जगह शादी होती है तो हमें भी ऐसी सासू मां मिली यार वो वाली गुजराती दाल और वो काले चने की सब्जी खाने के बाद ना ये अंडरवेलमिंग लग रही है अभी मैंने टेस्ट नहीं की
देखने में ना ये पूरी लग रही है कढ़ाई पनीर है ना। टेस्ट में कैसी है कढ़ाई पनीर? तो गाइस अब फाइनली बारी आ गई है डेजर्ट की, स्वीट्स की, जो कि है मेरा फेवरेट। और मूंग दाल का हलवा किसी से भी पूछ लो जो मेरे को जानता है, फेवरेट डेजर्ट इज मूंग दाल का हलवा। एक सेकेंड अमित, इसका फेवरेट कौन सा है? पिछली बार इसने कुछ और बोला था ना? हर बार में साले पैसे खाया तुमने और कुछ नहीं है। बिन पैंदे का लोटा है ये, बट गट्टू है। जरूर टेक्सचर ये लगे पीनट बटर और क्रंची पीनट बटर में डिफरेंस होता है। ऐसे मूंग दाल का हलवा और इस मूंग दाल के हलवे में डिफरेंस। आई स्ट्रांगली फील कि मेरा ना ठंडा हो गया तो मैं और मंगाता हूं। और सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये जो रबड़ी है ना ये भी खाओ, फिर रबड़ी और इसका मिक्स खाओ। अरे शादी बना के छोड़ेंगे। ओए मजा आ गया भाई मजा। लंच रश का टाइम है, अगर आपको हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो वी आर रियली सॉरी, बट वी लव्ड हैविंग फूड हियर एंड वी होप यू लव्ड द एक्सपीरियंस एज वेल। आई थिंक यू शुड कम एंड चेक आउट सासुमा। ये मेरी फेवरेट डिश सब्जियों में मैं बोलूं तो दाल जो कि पंजाबी दाल है ठीक है, और मेरा फेवरेट डेजर्ट सारा कुछ। मुझे गुजराती दाल, काले चने वाली सब्जी एंड ये ओए होए, इसकी तो मैं कह रहा हूँ टंकी भरवा के ले जानी है, मैंने मजा ही आ गया खा। मुझे गुजराती चने जो मीठे थे थोड़े बट कुछ अलग था, मतलब कुछ पहली बार खाया बड़ा अच्छा सा लगा, उसके साथ मूंग दाल का हलवा परफेक्ट। ये कुछ उन जगहों में से है जहाँ मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको घर के जैसा खाना ही मिलेगा। बट हम अब चाहते हैं कि और भी जगहों पर जाएं, और भी शहरों में जाएं, आपके शहर में आए, जिस जगह पर आपको खाना बहुत पसंद है वहाँ आपके साथ खाना खाएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो आपको उसको लाइक करो, शेयर करो, इसके नीचे कमेंट करो, अपना चैनल सब्सक्राइब करो द अर्बन गाय। हो गया ना, मुझे ये मंगाओ।